वेंकटेश काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे मतलब जब राशिद का ओवर आएगा हैट्रिक हो गई थी तो वहां से थोड़ा मुश्किल हो गया था मैच तो मतलब वो चीज आए आए चंदू सर तो उन्होंने बोला कि बिलीव के अंदर अपने जब तो टाइम आउट हुआ था तो उन्होंने यही बोला कि एंड तक खेलेगा तो हम जीत सकते हैं तो मतलब जब लास्ट ओवर था मतलब मुझे पता भी नहीं था कितने रन चाहिए तो जब दो बॉल में दस रन रह गए थे तब मुझे लगा कि हाँ कुछ हो सकता है तो वहां से फिर एक बिलीव था कि फिर वहां से हम मैच जीत गए

नहीं कर, गंपर नहीं, गंपर नहीं कर सकते। और शाहरुख खान ने भी पठान का पोस्टर बदल दिया आपका तस्वीर वहां पर लगा दिया आपके लिए ट्वीट किया व्हाट वॉज योर रियक्शन आज अब आपने वो ट्वीट देखा नहीं <small> <small> मतलब हसी भी आ रही थी खुशी भी थी अंदर थी से थो 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 आ, ये जो आपने इनिंग्स खेला है शायद इसको आ, क्या आप इसको टर्निंग पॉइंट कहेंगे आपके लिए हाँ मैम कह सकते मैम मतलब बहुत रेयर होते हैं ऐसे मैच जो जीते जाते मतलब पांच एक ओवर में मतलब तीस मतलब रन थे तो मैं काफी रियर होता है। तो मेरे लिए लिए बहुत बहुत बड़ी नहीं। बेस्ट नहीं है बेस्ट मेरी लाइफ से लेकर इंडिया इंडिया टीम तक का सफर कितना दूर आप 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 क्या आप मानते मानते हैं 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 क्या नजदीक के लिए, खेलने के लिए नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ सोचा नहीं है

तो मतलब दिवाली टाइप जो मना रहे थे तो मतलब काफी अच्छा लग रहा था मैम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जब आप खेलने के लिए आए उससे पहले काफी कुछ हार्ड हाँ, काफी हार्ड टाइम से आपको गुजरना पड़ा अभी रिंकू जहां पर आप खड़े हैं आप क्या कह सकते हैं द हार्ड टाइम्स आर ओवर हाँ मैम कह सकते हैं क्योंकि थोड़ा फैमिली का जितनी जो परेशानी थी सारी दूर हो गई है जो मतलब कर्जे थे मैम थोड़ा और घर नहीं था तो वो सारी चीजें दिक्कत सारी दूर हो गई तो मेरी फैमिली में कुछ है मतलब मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ सारा कुछ जो कर रहा हूँ आज और पापा इस वक्त क्या कर रहे हैं वो क्या अपना जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया वो मतलब मैं, मैं बोला था कि पापा जॉब छोड़ दो मतलब वो मतलब काफी टाइम हो गया बट मतलब तीस साल हो गए मैं वो काम करते हो तो उनका काम मतलब मन उन्हीं उसमें लगता था। मैंने बोला था कि तो मैं एक वक्त था गैस सिलेंडर डिलीवर किया है ना हाँ जी हाँ जी मैं हम सारे भाइयों ने मतलब घर घर जाके सिलेंडर देते थे मतलब मैं पापा के, पापा के साथ जाता था बाइक पर दो दो सिलेंडर होते थे बाइक पर भाई के साथ जाता था सारे भाई काम करते थे तो मतलब पापा की काफी हेल्प करी पापा यही चाहता कि चाहते थे कि हेल्प करें हमारी सारे लड़के मतलब और मतलब थोड़ा पढ़ाई करें मतलब क्रिकेट विकेट में मतलब इंटरेस्ट नहीं था उनको पापा को इतना तो इसलिए मना करते थे क्रिकेट खेलने के लिए मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जहां पर आप बोल रहे थे पापा काफी गुस्सा करते थे जब आप क्रिकेट खेलते थे और आपको कई बार मना भी किया है अब जब आप इतना कामयाब हो गए अब वो क्या कहते हैं नहीं काफी खुश है मतलब पहले खेलने नहीं देते थे क्योंकि बहुत मतलब डांट पड़ती थी वो ये चाहते थे कि हमारे साथ काम करें घर में थोड़े पैसे वैसे आए तो उससे थोड़ा दिक्कतें दूर हो मतलब तो फिर मतलब मैं क्रिकेट में थोड़ा ध्यान था तो मम्मी मम्मी थोड़ा बहुत सपोर्ट करती थी मतलब मुझको तो थोड़ा पापा को समझाती थी और मतलब मार तो बहुत खाई है मैंने सबसे ज्यादा घर में मार मैंने खाई है <laughs> तो दो हजार जो था लास्ट उसके बाद से मैंने मतलब मार नहीं खाई लेकिन अब वाकई में बहुत खुश होंगे आपके घर वाले आपके सारे भाई भी आपके साथ क्रिकेट खेलते थे उनमें से कोई अभी दिलचस्पी रखते हैं क्रिकेट का और आपको कैसे किस तरह का सपोर्ट उनसे मिलता है नहीं नहीं मतलब शुरू से मतलब जब छोटे थे साथ में खेलते थे हम पांचों भाई हम पांच भाई हैं तो पास में मतलब मोहल्ले के लड़के थे उन्हीं के साथ खेला करते थे तो मतलब एक भाई है छोटा वो खेल, खेलता मेरे साथ क्रिकेट अभी उसने स्टार्ट करी एक दो साल हुई है तो थोड़ा उसका इंटरेस्ट बना हुआ है क्रिकेट तो लगता है कि उनको भी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा आपके बाद और अब दोनों आईपीएल टीम्स में खेलेंगे नहीं नहीं मैं इतना मुश्किल नहीं मतलब आईपीएल में बोल रहा होगा तो वो मेहनत करेगा अच्छे से मतलब अच्छे रन बनाएगा पहले टॉम से खेलना पड़ेगा उसके लिए तब इधर आएगा मैं अच्छा करेगा तो आएगा वो आईपीएल रिको एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आईपीएल तक पहुंचना एक एक डिफिकल्ट सफर है लेकिन यहाँ पर बने रहना साल दर साल परफॉर्म करना सिर्फ आईपीएल नहीं पर इंडिया के लिए वो कितना डिफिकल्ट है और उसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ रहा है और आ, आपने आपको कितना चेंज अपने कितना चेंज किया नहीं मैम मतलब मैम काफी टफ है आईपीएल में पहले तो आपको मतलब डोमेस्टिक खेलना पड़ता है मतलब एक पहचान बनानी पड़ती है आपको अपनी कि कोई प्लेयर है मतलब किसी स्टेट से खेलता है तो तब तो, मतलब जो जो फॉर्म वो, वो बनने पड़ते हैं मतलब पड़ता है आपको की तो तो इसलिए काफी टफ है मतलब साल हो गए, साल हो गए मुझे खेलते हुए काफी टफ है ए, एक टीम में रहना क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और, करनी पड़ती है तो और सपोर्ट भी चाहिए होता है मैम टीम, का, को, को, के के टीम ने काफी हेल्प है, है, तो है टीम का एक आखिरी सवाल बहुत सारे विशेष आया हुआ है आपके लिए पिछले 48 घंटे में एक ऐसा कोई विश है जो आपके लिए स्पेशल है नहीं मैम बहुत सारे ऐसे तो मतलब बहुत लोगों ने मतलब मतलब ट्वीट किया है मेरे लिए मतलब बहुत बड़े बड़े सचिन सर ने भी किया है मतलब जो बॉलीवुड एक्टर हैं मतलब जितने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं उन्होंने मुझे मतलब ट्वीट किया तो काफी अच्छा लग रहा है मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैम वो चलिए शाहरुख खान ने कहा झूमे जो रिंकू और हम उम्मीद करेंगे आप ऐसे ही सबको एंटरटेन करते रहे थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आस